इतिहास में चित्तौड़ की रानी कर्मवती, जिसे कर्णावती भी कहा जाता है, द्वारा हुमायूं को राखी भेजने व उस राखी का मान रखने हेतु हुमायूं द्वारा रानी की सहायता की बड़ी बड़ी लिखी हुई है। इस प्रकरण के बहाने हुमायूं को रिश्ते निभाने वाला इंसान साबित करने की झूठी चेष्टा की गई। चित्तौड़ पर गुजरात के बादशाह बहादुर शाह द्वारा आक्रमण के वक्त चित्तौड़ का शासक महाराणा विक्रमादित्य अयोग्य शासक था। चित्तौड़ के ज्यादातर सामंत उससे नाराज थे और उनमें से ज्यादातर बहादुर शाह के पास भी चले गए थे। ऐसी स्थिति में चित्तौड़ पर आई मुसीबत से निपटने के लिए रानी कर्मवती ने सेठ पद्मशाह के हाथों हुमायूं को भाई मानते हुए राखी भेजकर सहायता का अनुरोध किया। हुमायूं ने हालांकि रानी की राखी का मान रखा और बदले में उसे बहन मानते हुए ढेरों उपहार भी भेजे, क्योंकि हुमायूं भारतीय संस्कृति में भाई बहन के रिश्ते का महत्व तब से जानता था जब वह बुरे वक्त में अमरकोट के राजपूत शासक के यहाँ शरणागत था। अमरकोट पर उस समय राजपूत शासक राणा वीरशाल का शासन था। राणा वीरशाल की पटरानी हुमायूं के प्रति अपने सहोदर भाई का भाव रखती थी व भाई तुल्य ही आदर करती थी। हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म भी अमरकोट में शरणागत रहते हुए हुआ था। भारतीय संस्कृति के इसी महत्व को समझते हुए हुमायूं रानी की सहायता अर्थ सेना लेकर रवाना हुआ और ग्वालियर तक पहुंचा भी, लेकिन ग्वालियर में हुमायूं को बहादुर शाह का पत्र मिला जिसमें उसने लिखा था कि वे तो काफिरों के खिलाफ जिहाद कर रहा है। यहाँ पढ़ते ही हुमायूं भारतीय संस्कृति के उस महत्व को, जिसकी वजह से उसे कभी शरण मिली उसकी जान बची थी, को भूल गया और ग्वालियर से आगे नहीं बढ़ा। काफिरों के खिलाफ जिहाद के सामने हुमायूं भाई बहन का रिश्ता भूल गया। उसे इस्लाम के प्रसार के आगे ये पवित्र रिश्ता बना लगने लगा और वे एक माह ग्वालियर में रुकने के बाद 4 मार्च 1533 को वापस आगरा लौट गया। यही नहीं, जब हुमायूं का एक सरदार मोहम्मद जमा बागी होकर बयाना से भागकर बहादुर शाह की शरण में जा पहुंचा, हुमायूं के उस बागी को वापस मांगने पर बहादुर शाह ने मना कर दिया। तब हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया और बहादुर शाह के सेनापति तातार खां को बुरी तरह हरा दिया। उस वक्त बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर दूसरी बार घेरा डाला था। मुगल सेना से अपनी सेना के हार का समाचार मिलते ही बहादुर शाह ने चित्तौड़ से घेरा उठाकर अपने राज्य रक्षार्थ प्रस्थान करने की योजना बनाई, लेकिन उसके एक सरदार ने साफ किया कि जब वे चित्तौड़ पर घेरा डाले हैं, हुमायूं हमारे खिलाफ आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चित्तौड़ पर बहादुर शाह का घेरा हुमायूं की नजर में काफिरों के खिलाफ जिहाद था। हुआ भी यही, हुमायूं सारंगपुर में रुक कर चित्तौड़ युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन कर्णावती की राखी की लाज बचाने जिहाद के बीच बहादुर शाह से दुश्मनी होने के बावजूद नहीं आया। आखिर चित्तौड़ विजय के बाद बहादुर शाह हुमायूं से युद्ध के लिए गया और मंदसौर के पास मुगल सेना से हुए युद्ध में हार गया। उसकी हार की खबर सुनते ही चित्तौड़ के 7,000 राजपूत सैनिकों ने चित्तौड़ पर हमला कर उसके सैनिकों को भगा दिया और विक्रमादित्य को बूंदी से लाकर पुन गधी पर आरूढ़ कर दिया। राजपूत वीरों द्वारा पुन चित्तौड़ लेने का श्रेय भी कुछ दुष्प्रचारियों ने हुमायूं को दिया कि हुमायूं ने चित्तौड़ को वापस दिलवाया, जबकि हकीकत में हुमायूं ने बहादुर शाह से चित्तौड़ के लिए कभी कोई युद्ध नहीं किया, बल्कि बहादुर शाह से बैर होने के बावजूद वे चित्तौड़ मामले में बहादुर शाह के खिलाफ नहीं उतरा।